Hello students, today we are going to start Basidiomycetes, the third class of fungi. We have discussed about the two classes of fungi, that is Phycomycetes and Ascomycetes. Now this is the third class, Basidiomycetes. These are also known as advanced fungi or club fungi. आप सभी जानते हैं what is a club shape. क्लब शेप सभी को पता होगा, इस तरह की जो शेप होती है दैट इज नोन एज क्लब शेप. तो इन फंजाई की जो शेप होती है दैट इज क्लब शेप. तो इनको एडवांस फंजाई कहा जाता है, बहुत ही एडवांस करेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ वेयर दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स. लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ी के गट्ठे जिन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स के ऊपर ग्रो करते हैं. एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, एज ए रस्ट एंड स्मट. इनको रस्ट और स्मट्स भी कहा जाता है. अब इनका माइसीलियम किस तरह का है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ध्यान रखना है इनका माइसीलियम ब्रांच्ड है, सेप्टेट है. एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से फॉर्म होते हैं इनमें जनरली. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखेंगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, एमसीक्यू में, वन मार्क क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. विच क्लास ऑफ फंजाई, इन विच क्लास ऑफ फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट. तो That is in Basidiomycetes. इसमें मोस्टली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन ही होता है. अब बात आ जाती है सेक्स ऑर्गन्स, कोई स्पेशल ऐसा सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, बाई वेन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स जो है वो फ्यूज होती हैं. और जो टू वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज होंगी उनके लिए एक कंडीशन है यहाँ पे, हैविंग डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, जिनके डीएनए में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा. तो ये इस तरह के सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज होंगी, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकेरियन. अब यहाँ पे भी डाइकेरियन स्टेज प्रेजेंट है. इट अल्टीमेटली जैसे ही डाइकेरियन के बाद जो जाइगोट बनेगा दैट विल फॉर्म बेसिडियम, वहाँ पे मियोसिस होगी बेसिडियम में, और बेसिडियम में मियोसिस होने के बाद बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी. इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. नाउ बेसिडियोस्पोर्स ध्यान रखना है कि जो कैसे बनते हैं एक्सोजीनसली, और एस्कोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं एंडोजीनसली. एक डिफरेंस आपने याद रखना है और नंबर भी आपने याद रखना है कि जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर जो फॉर्मेशन हो रही है वो एक्सोजीनसली हो रही है, और ये ज़्यादातर फोर होते हैं नंबर्स में. और अगर हम एस्कोस्पोर्स की बात करें तो उनका जनरली उनका नंबर होता है एट. ठीक है, तो बेसिडियम के ऊपर और उनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या है, बेसिडियो कार्प. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. एग्जांपल्स हैं इसके पफ बॉल्स, रस्ट्स, स्मट्स एंड मशरूम. रस्ट की बात करें, ये जो पैथोजेनिक पैरासिटिक फंजाई हैं, तो इसमें एक एग्जांपल काफ़ी बार आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट. व्हीट के ऊपर ब्लैक रस्ट अपीयर हो जाती है, तो कौन कॉज करता है, पक्सिनिया ग्रैमिनस. इसका नाम आपने याद रखना है, वीट रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ग्रैमिनस कॉज करता है. एक और है ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, ब्राउन कलर की रस्ट होती है जो कॉज करता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा. अब स्मट्स हैं कुछ फंजाई जो स्मट कॉज करते हैं, दैट इज लूज स्मट ऑफ वीट, तो इसका एग्जाम्पल है यूस्टिलेगो. तो ये दोनों एग्जाम्स में एमसीक्यू में भी आते हैं. यहाँ एक डायग्राम दिया है, वेल नोन डायग्राम है, मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, दैट इज डायग्राम ऑफ मशरूम. हियर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम, अगेरिकस कंपेस्ट्रिस. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, दैट इज द क्लब शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइलियस. ये जो ऊपर से अम्ब्रेला फॉर्म में लग रहा है दैट इज पाइलियस, एंड दीज आर हेयर गिल्स.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हैं, ये गिल्स हैं, तो जिसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिडियम की। उस पूरे स्ट्रक्चर को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। और यहाँ पे हैं बेसिडियम, और बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एन्यूलस। तो आपको पता है इट इज़ एन एडिबल फंजाई। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि किसकी हैं, बेसिडियोमाइसीट्स की। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनमें बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन हुई है, फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन हुई है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर साइंटिफिक नेम ऑफ ईच ऑफ दीज, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स विच आर गिवन इन योर नोट्स। जो नोट्स में मैंने गिवन है वही आपको लर्न करने हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द ड्यूटेरोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। इट इज द लास्ट क्लास ऑफ फंजाई। दीज आर ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई और इम्परफेक्ट फंजाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ किंगडम फंजाई, वाई ड्यूटेरोमाइसीट्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इनमें कोई भी परफेक्ट सेक्शुअल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ इनमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस ही नोन है, जिसकी वजह से इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अगर कभी ऐसी फॉर्म्स हमें मिल भी जाती हैं जो इसकी मेंबर हैं, उनमें कोई सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, तो उनको यहाँ से मूव करके जो अदर क्लासेस है उसमें प्लेस कर दिया जाता है, और इसमें सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जिसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस ही हों। लाइक किसमें शिफ्ट करते हैं उनको, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्स बनते हैं, बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। Mycelium is septate and branched. Nutrition किस तरह का है, saprophytes और some जो है parasites भी होते हैं। अब यहाँ पे एक important आपको point याद रखना है जो बहुत बार exam में पहले भी आ चुका है previous year में। What is the importance of deuteromycetes? A large numbers of deuteromycetes are decomposers. तो ये decomposers हैं of litter and help in mineral recycling. ये point बहुत important है, that help in mineral recycling. ठीक है, तो लिटर जो भी कूड़ा कचरा है, जो ऑर्गेनिक मैटर इनर है, उसको ये डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को और मिनरल की साइक्लिंग करते हैं। एक तो और भी इम्पॉर्टेंट इनके हैं पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिए हैं, फॉर एग्जांपल जिब्रेलिन्स आपने सुना होगा, प्लांट हार्मोन्स जिनको कहते हैं। तो जो प्लांट ये हार्मोन्स होते हैं, ये सबसे पहले एक फंगस में से ही एक्सट्रैक्ट किए गए थे, दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये आपको अभी भी 11th क्लास में भी एक चैप्टर आएगा आपको प्लांट हॉर्मोन्स का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसमें आपको आएगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस है जिसमें से जिब्रेलिन्स को फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब यहाँ दो और एग्जांपल आपको दे रही हूँ एज ए पैरासाइट, जो कि क्या कॉज करते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन में रेड कलर के पैचेस जो है उसके नोड के अंदर अपीयर हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फंजाई, दैट इज कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। और एक और है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दैट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सुलेनी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। नाउ लेट्स सी द इमेजेस ऑफ सम ड्यूटेरोमाइसीट्स। यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं, स्पैरोप्सिस है, अल्टरनेरिया भी है, कर्वुलेरिया भी है। कुछ आपको यहाँ पे बताया है अबाउट 8000 स्पीशीज फ्रॉम इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बायो, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स बायोडिग्रेडेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, बट दे ऑल्सो कोज प्लांट डिसीजेस, माइकोसिस एंड एलर्जीज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ आपको इमेजेस है जिसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं ड्यूटेरो माइसीट्स के और ड्यूटेरोमाइकोटिना क्लास के। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द 4 क्लासेस ऑफ फंजाई।
Our chapter of fungi is now complete. Thank you, students.